किसको पूछा जाए, कौन पढ़ के आया है लास्ट क्लास का? प्रिया जी, कैपिटल जी की वैल्यू बताएंगे क्या आप? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी कैपिटल 6.67 into 10 raised to power minus 11. चलो ठीक है, ठीक है. तो हम लोगों ने बेसिकली ये कर लिया था, हम लोगों ने अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. यानी ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में नोट किया था, ये क्वेश्चन डिस्कस करना था हम लोगों. सपोज दैट द टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 16 न्यूटन्स. तो फोर्स जो है वो 16 न्यूटन्स का है. बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज जी एम वन एम टू If the distance between the two objects is reduced in half, equals to R, right? The force वन या F1 बोल देते हैं इसको, ये F1. सो फोर्स इज इक्वल टू जी एन वन एन टू अपॉन नया डिस्टेंस क्या है, आर बाय टू का. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू जी एन वन एन टू अपॉन स्क्वायर बाय that is 4 into g in 1 n2 by that is 4 into g in 1 n2 by r square. अब फोर्स क्या आ जाएगा नया, 4 into g in 1 n2 by r square, और g in 1 n2 by r square क्या है, 16 newtons. That is 4 into 16 units. So 4 into 16 units is 16 units. Clear? Yes. Yes, sir. Sir, show the full answer. नोट भी कर लीजिए आप लोग. सर डन. आगे बढ़े. सर वेट फॉर 2 मिनट्स. डन सर.
Suppose that the two objects attract each other with a gravitational force of 16 newtons. The weight no object in each kind of force F0 head, that is 16 units, that is equal to G in 1 and 2 by R. If the mass of both the objects, both objects was doubled, if the mass of both objects was doubled, M1 का नया मास क्या है? डबल कर लिया तो 2m1. M2 का नया मास कितना है? 2m2. Then what would be the new force of attraction between the two objects? So नया फोर्स क्या हो जाएगा? G. तो G into नया M1 क्या आ गया? नया M2 क्या आ गया? By R. So 2 into 2 is 4 into G and 1 and 2. Right? So naya force aa gaya. Ab purana force kya hai? G and 1 and 2 ka aaskar purana force kitna hai? 16 units. So naya force kya ho jayega? 4 into 16, that is 64 units. Here is a poll. Sir, please show full question. इस सेम पिछले क्वेश्चन जैसे आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं. आपको जो चीज स्टेटमेंट में लिखी है उसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स वाज डबल, तो अगर आपने ये लिख दिया नया मास ये है और ये, तो अब मैं क्या बोलूंगा, नया फोर्स क्या रहेगा? तो जी इनवर्ट इंटरव्यू में नया मास अपन डिस्टेंस का कुछ नहीं बोला, तो डायरेक्ट डिस्टेंस ले लिया, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो नया फोर्स कितना आ गया? 64 न्यूटन्स. सर पिछला आंसर और ये वाला आंसर सेम ही है, 64 यूनिट. दोनों में सेम आया, लेकिन ओरिजिनल फोर्सेस सेम थे, उसमें बस डिस्टेंस को डबल किया है, यहाँ पे दोनों मास का डबल किया हुआ है. Find the gravitational force between the Earth and the Sun. Mass of Earth 6 into 10 to the power 2. Distance between Earth and Sun. मुझे नहीं आता होता है,
एक्सक्यूज मी सर, यार माइक इज ऑफ। सर यार म्यूटेड। सर यार म्यूटेड। मेरा माइक इज ऑफ। सॉरी 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 सॉरी। फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ into mass of sun upon distance ka square. So g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of earth kya hai 6 into 10 to the power 24 into mass of sun kya hai 2 into 10 to the power क्या है 1.5 इंटू 10 से पावर 7 किलोमीटर। इसको मीटर्स में करने के लिए इंटू 1000 इसका ये जो 6.67 है दिस विल बी 20/3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 से पावर माइनस 11 प्लस 24 अपॉन 1.5 का स्क्वायर विल बी 1.5 इनटू 1.5 इनटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर इज 10 की पावर 14 इनटू 1000 का स्क्वायर अवेलेबल ऐसे इज इनटू 1000 इनटू इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 3 1 सर दिस इज 3 20 इनटू 2 इज 40 40 इनटू 2 इज 50 into 10 to the power 54 minus 11. Upon 1.5 kya ho gaya 3 by 2 into 3 by 2 into 10 to the power 14 into 1000 kya ho gaya 10 to the power 3 into 1000 kya ho gaya 10 to the power into 10 to the power 43 into 10 to the power 14 plus 3 plus 4 so again 18 into 160 into 160 into 360 into 320 by 9 into 10 to the power 43 upon 10 to the power 320 by 9 into 10 to the power 43 minus 20. So 320 by 9 into 10 to the power 23. This much.
Let us approve. सर सर ग्रेविटी का फोर्स ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड रहता है ना. हाँ रहता है ना. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑटो सर ऑब्जेक्ट है ना, हम ऑटो सर के बीच में निकाल रहे हैं मास की तो मैं ले रहा हूँ जी एम एन एम टू पे आ सकते हैं तो क्या मास ही तो आ गया ना उसमें. डीपीपी वन इज योर होमवर्क. ये मैंने ग्रेविटेशन के मॉड्यूल अपलोड कर दिए क्या? यस सर. यस सर. यस सर. डीपीपी वन इज योर होमवर्क जो हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. जो भी नेक्स्ट सेशन रहेगा कल या परसों तो उसमें हम लोग डीपीपी वन डिस्कस करेंगे. सर नेक्स्ट सेशन कल ही है. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़े अपन. जस्ट वन सेकेंड. सबमिट नहीं करना है आप लोगों को इसको. असाइनमेंट सेक्शन में दी हुई है नोट्स में डीपीपी सबमिट नहीं करना है आप लोगों को. सबमिट करने के लिए मैं बुक एक साथ आपको सबमिट करने के लिए बोलूंगा तभी सबमिट करना है. सर वन चैप्टर का व्हेन द व्हेन वन चैप्टर विल कंप्लीट देन ओनली वी हैव टू सबमिट द नोटबुक ना. हां जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं आपको बताऊंगा. Acceleration due to gravity. So the acceleration produced in the body due to the force of gravity is termed as acceleration due to gravity. तो जो किसी body में acceleration आएगा due to the force of gravity, gravitational force की वजह से जो किसी body के ऊपर acceleration आता है, that is termed as acceleration due to gravity. कौन सा last question था? क्या दिया है? सर आपकी आवाज कट रही है. यस सर. यस सर. आपके तो सॉरी वॉइस इज ब्रेक.
गूगल मीट में होती है क्या? पिछले दो दिन से ये इशू आ रहा है, इसके पहले कभी वॉइस ब्रेक होने का इशू तो मेरे को इसके पहले शायद ही सर आपका आवाज अभी इको हो रहा है, आपका आवाज इको हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दोनों जगह से ऑन कर रखा था, सो अब इको तो नहीं हो रहा होगा, बट मैं ये पूछ रहा था कि सर अभी आवाज अभी क्लियर है आवाज? हाँ नहीं आवाज क्लियर है, बट अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया तो मैं ये पूछ रहा था कि और कोई यानी किसी की और कोई क्लास या कोई स्कूल कुछ गूगल मीट पे होता है और वहां पे भी आपको ये इश्यूज फेस हो रहे हैं क्या? क्योंकि मैं अभी स्पीड टेस्ट किया तो माय कंप्यूटर हैज अ स्पीड ऑफ व्हाट 40 Mbps की स्पीड आ रही है, 40 Mbps की स्पीड आ रही है, तब भी वॉइस में इश्यू आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों। तो मैंने अभी मोबाइल से कनेक्ट किया इसके लिए आप लोगों को आ रही है क्लियरली। आपके क्लास में इसके पहले भी मेरे क्लासेस में आज कल और आज दो दिन से ही चल रहा है वॉइस ब्रेक होने का इशू। व्हाई इज इट हैपनिंग? आई हैव नो क्लूज। किसी का कोई चालू है क्या स्कूल वूल वगैरह गूगल मीट पे, वहां पे भी आ रहा है क्या किसी को इशू? यस सर, नो सर। यस सर। क्या यस सर? किसका स्कूल चालू है गूगल मीट पे, किसको इशू आ रहा है, कौन किसने यस सर बोला, इसका पता ही नहीं चलेगा यार। सही जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं क्या हुआ तन्वी जी, आप लोगों के स्कूल में भी गूगल मीट पे इशू आ रहा है क्या? स्कूल या कोई क्लास गूगल मीट पे होती है क्या आपकी? यस सर होती तो है, बट नेटवर्क की वजह से होती है वो। अच्छा, क्योंकि तो मेरा नेटवर्क तो बराबर चल रहा है, मुझे लग रहा था कल गूगल मीट का कुछ इशू है कि क्या है पता नहीं, नेट की स्पीड तो ठीक ठाक ही चल रही है। जस्ट अ सेकंड सर, एक बार वो आप रिस्टार्ट करके देखो। मैं कल से आ रहा है ना, एक सिस्टम में थोड़ी आ रहा है, रिस्टार्ट करके देखो उसको, देखो तो सही। कंप्यूटर बदल दो। कंप्यूटर बदल दो? जो भी मेरा सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम मिलता ही नहीं हम रोटी में, क्योंकि सर ये आप अपडेट करा दीजिए, एक बार चेक करिए कि अपडेट है क्या वो ऐप। ऐप पे है ही नहीं यार, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ऐप, लेट मी सी चल रहा है उस पे काम चल रहा है उस पे देखते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, दो ही दिन से हो रहा है। तो इसके पहले कभी अपने को पिछले साल भी अपने इतने टाइम गूगल मीट पे क्लासेस ली, जब मोबाइल पर से लेते थे तब इशू आता था, बट अभी पीसी पर से कभी इशू नहीं आता था, बट पता नहीं क्या हुआ। चलिए ठीक है, जाने दीजिए, लेट्स बिगिन कंटिन्यू। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अर्थ के सरफेस पे किसी चीज को हमने रखा है तो क्या होगा, तो इस सरफेस के ऊपर इस रखी हुई चीज को, रखी हुई चीज के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो अगर इसके ऊपर मास एम वन है, इसका मास एम वन है, अर्थ का मास ME है, इसका जो डिस्टेंस है ये अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सरफेस पर रखा, अर्थ के जमीन के ऊपर ही है, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेंटर से? RE, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस ऑब्जेक्ट फोर्स कितना लगेगा उस ऑब्जेक्ट A पे? फोर्स कितना लगेगा ऑब्जेक्ट A पे? फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू उसका खुद का मास इंटू अर्थ का मास। जस्ट वन सेकेंड, आई एम गेटिंग अ वेरी अर्जेंट कॉल, जस्ट गिव मी वन मिनट। सॉरी और माइक। अच्छा सर, सर को कॉल आया है। हाँ तो
हम लोग बात कर रहे थे कि इस डब्बे के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, सो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू जी एम वन इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वेर. सो दैट विल बी द फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. तो जी एम वन इंटू एम ई अपॉन आर ई का स्क्वेर, ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा. ठीक है, अब अगर ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है तो क्या होगा बेसिकली, तो ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया. अब मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करिए, इस फोर्स को एक बार कैलकुलेट कीजिए. ठीक है ना, सो लेट्स कैलकुलेट दिस. सो हमें पता है अर्थ का मास हमको अगर नहीं भी दिया है तो हमें मेजर एज्यूम करना है 6 × 10⁻²⁴ kg. और रेडियस ऑफ अर्थ जो हमको एज्यूम करना है वो करना है 6,400 किलोमीटर. इस मास को अभी m1 को m1 ही रहने दो, m1 की वैल्यू मत डालो, m1 को m1 ही रहने दो. सो m1 के टर्म्स में ही आंसर निकालिए, इसका सॉल्व कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेशन. सर इस जी की वैल्यू क्या लेनी है, 20/3 या 6.67 वाला? सर योर माइक इज ऑफ. आपको कुछ नहीं भी बोला हुआ है क्वेश्चन में तो आप 20/3 ले सकते हैं, इट इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम. 20/3 इज ओके, आप ले सकते हैं 6.67 को 20/3. सर वो एमई और आरई क्या है? मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ. एमई इज मास ऑफ अर्थ, ये हम लोग अर्थ के लिए बात कर रहे हैं ना, तो एमई मास ऑफ अर्थ, आरई रेडियस ऑफ अर्थ. सर M1 की वैल्यू क्या है? M1 के टर्म्स में निकालना है आंसर. इतने बराबर कैलकुलेशन क्या है आयुष जी, फोर्स नहीं नहीं गड़बड़े 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 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400. सबसे पहली चीज ये जो है ये किलोमीटर्स में है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 6400 × 1000 का स्क्वायर.
So this is 6.67 is what? 20 by 3. So? Into, huh? 10 raised to power 10 upon 1024? नहीं, 10 raised to power 10 upon 1024 भी गड़बड़ है. Into m1 into the power 24 upon 6400 into 6400 into 1000 into 1000. यहां तक के किसी को भी डाउट है क्या? दिस इज 3 1s आर दिस इज 3 2s आर. 20 into 2 is 40. M1 into 10 is to power 24 minus 11 upon 6400 ko 64 into 64 into 100 6400 ka aur dusre 6400 ka fir se 100 into ye kya hai ek ke aage 3 zeros to isko likhte hain 10 is to power 3 into 10 is to power. So 40 M1 into 10 की power 13 upon 64 into 100 को क्या लिखा? 10 का square into 100 को 10 का square into 10 cube is 10 की power 6. 40 को कट किया तो 4 tens are 4 16. So M1 into 10 into 10 की पावर 13 is 10 की पावर 14 upon 64 into 16. तो 64 into 16 जो आप लोगों ने निकाला ये 1024 बराबर है. Into ये तीनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? 10 raised to power 10. So M1 into 10 is to power 14 minus 10 upon 1024. 10 is to power 14 minus 10 is 10 is to power 4 upon 1024. M1 into 10 is to power 4 upon 1024. So, ye aa gaya M1 into 10,000 upon 1024. Ab ye wali term ko agar aap calculate karenge na calculator pe, aise to division difficult hai, but is term ko agar aap calculate karenge calculator pe to ye aa jayega M1 into 9.8 ke aaspaas aayega. 10,000 upon 1024 जो है, that will come very close to 9.8, ठीक है? So 10,000 upon 1024 is 9.76, 9.77 के आसपास आएगा ये. तो इसको देख के कुछ ध्यान आ रहा है क्या? M1 into 9.8, 9.8 को देख के कुछ ध्यान आता है क्या? Yes sir. This is acceleration, yes. Due to acceleration due to gravity. Gravity. So एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मीनिंग है, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है ये? सो बेसिकली आप देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलते हैं हम, कोई चीज अगर अर्थ से अर्थ के ऊपर रखी है, उसका मास एम है, तो अर्थ उसको क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है. किस फोर्स से खींचता है अर्थ? एम जी से. पढ़ा है हम लोगों ने, कोई चीज अगर एम मास की अर्थ के ऊपर रखी है तो अर्थ उसको क्या करता है? एम जी से अपनी तरफ खींचता है. So, mg से वो चीज अर्थ की तरफ खींची जा रही है. अब मैंने यहां क्या कैलकुलेट किया कि भाई ये मास m की बॉडी अगर अर्थ पे रखी है तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाएगा, यही निकाला मैंने. yes, sir. ये तो ऑलरेडी mg लगाता है, ये हम अभी तक लेते ही आ रहे थे. तो आज हम लोगों को पता चला कि अर्थ असलियत में क्या फोर्स लगाता है, G into M1 into ME upon RE का square.
और इसके ऊपर असलियत में क्या फोर्स लगता है, इसका m1 मास के ऊपर क्या फोर्स लगता है, m1 into g लगता है। दिस इज है दोनों भी ग्रेविटी के, यहां पे g जो है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पुराने मैसेज से जिसको कनेक्ट करना है उसको कर लिया कनेक्ट। सर वो ऊपर की डेफिनेशन दो मिनट रुकिए, मैं दो मिनट में करता हूँ, एक दो मिनट होल्ड कीजिए, आप लोग नोट कीजिए आप लोग जब तक इतना। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बेसिकली हम लोगों ने दो बात, दो अलग अलग चीजें सीखी है, दोनों चीजें सेम ही है, हमने दो अलग अलग बातें सीखी है। क्या सीखा है हमने कि ये अगर अर्थ है, कोई चीज अगर अर्थ के ऊपर रखी है, इसका मास m1 है, तो हमने अभी सीखा कल के क्लास में, आज के क्लास में, कि अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाएगा g into m1 into mass of earth। तो ये अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये हमने सीखा, ठीक है ना। अब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फोर्स लगाता है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो क्या रहता है m1 into g, और किसी भी चीज के ऊपर क्या फोर्स लगाता है m1 into g, और हमने पढ़ा कि नहीं अर्थ तो ये फोर्स लगाता है, दोनों बात एक ही है ना, ये दोनों भी फोर्सेस क्या है अर्थ की लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब m1 into g जो है किसी चीज पे लगने वाला फोर्स, ये जो हो गया ये g into m1 into mass of earth upon radius of earth का स्क्वायर हो गया। तो इसमें हम बोलेंगे कि भाई मास ऑफ m1 कट जाएगा, सो g इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सर हम रेडियस ही क्यों लेते हैं, कोई भी चीज सर थोड़ा सा हम लोग कहां से गिनते हैं, अर्थ के सेंटर से गिनते हैं, हम लोग कोई भी सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस गिनते हैं, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर होता है।
सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस क्या होता है रेडियस के बराबर होता है। सर सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन दिखाना। क्लियर है क्या? यस सर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जैसे हमने अर्थ के लिए बोला, अगर कोई और प्लैनेट का निकालना है, किसी को मून के ऊपर खड़े मून के ऊपर ग्रेविटी निकालनी है, तो ग्रेविटी ऑन मून क्या हो जाएगा? जी इंटू जहां मास ऑफ अर्थ है वहां मास ऑफ मून ले लेंगे, जहां रेडियस ऑफ अर्थ है वहां हम रेडियस ऑफ मून ले लेंगे। क्लियर है? यस सर। अभी हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया कि भाई छोटे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्लियर है सबको? दिस इज जी सरफेस। अगर आप अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर जाते ना तो फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पास में जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप बहुत बहुत ऊपर जाएंगे स्पेस वेस में जाएंगे तो वहां ये जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ये सेम नहीं रहती है, जी की वैल्यू चेंज होती है स्पेस में। तो वो जब हम लोग जी हाइट और जी डेप्थ के फॉर्मूले अलग से हम लोग पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सर बड़े जी की नहीं होती ना वैल्यू चेंज, कहा भी बड़े जी की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होती। तो ये छोटा जी क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, मैं पहले ही बता रहा हूँ, नोट्स वोट सब कंप्लीट करते रहना, गड़बड़ करना मत। मैं जिस दिन सबमिशन करने के लिए बोल दूंगा कल लाके सबमिट करना है, फिर जिसने सबमिट नहीं किया फिर उसकी बैंड बजेगी। इसके लिए पहले ही बता रहा हूँ मैं कि टाइम से करते रहना, लास्ट में पाइल अप करके जमा करके कुछ तो भी यहाँ वहाँ लिखने का काम मत करना। कल ही हुआ वो एक दूसरे बैच में, लिखने के लिए मैं दे रहा था टाइम, वो होशियार लिखने देते से ही बोले हो गया सर मेरा लिखना, तो मैंने बोला भेज फोटो, तो बोले सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, तो स्क्रीनशॉट लेके से स्क्रीनशॉट में ही जमा रहता है, लिखना होता नहीं है। इसलिए पहले ही मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए इतना टाइम मैं भी वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो पिछले साल मेरे को भी सही था, एक घंटे की क्लास मैं भी 50 मिनट में लेके खत्म कर देता था, 50 मिनट के बाद बैठ के बचे हुए टाइम खुद लिख लो स्क्रीनशॉट पे से। बट वो अपन ने देखा लास्ट ईयर कि भाई बहुत जनों का वो लिखना होता ही नहीं है, वो टाइम होता ही नहीं है सेट। इसके लिए वी हैव डिसाइडेड कि क्लास में ही टाइम देना है, तो उसको यूटिलाइज करो और चीजें लिख लो। हाँ कभी कोई चीज आगे पीछे रह जाती है तो थोड़ा बहुत ले लिया स्क्रीनशॉट और तभी के तभी कंप्लीट कर लिया, तो दैट इज ओके। तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात, ये बात कर रहे थे जी और छोटे जी और बड़े जी का फर्क, तो दोनों चीजें ही अलग अलग है, दोनों टर्म्स भी अलग अलग हैं, दोनों के यूनिट्स भी अलग अलग हैं। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और दिस चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर।
हाइट पे जाओगे, डेप्थ में जाओगे, या इवन अर्थ पे भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो चेंज करता है. दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. पोजिशन कहीं पे भी चले जाओ, ये क्या रहेगा, जी क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है ना? क्लियर है? यस सर. यस सर. ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं. अभी क्वेश्चन लगे तो आप लोग स्किप कर सकते हैं. अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का मास दिया है, अर्थ का ये दिया हुआ है, तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला ही था ना कि वो 10,000/1024 आया था हमारा, बराबर. ये क्वेश्चन कीजिए. m1 × 9.8. सर पिछले क्वेश्चन में 9.8 आएगा, पिछले क्वेश्चन में 9.8 बराबर है. ये अगला क्वेश्चन आ गया ना, उसका सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये जुपिटर का आ गया, अर्थ का नहीं है. अच्छा जी जुपिटर क्या होगा? जी तो मास ऑफ जुपिटर और रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर. तो जी इंटू जी इज व्हाट, 6.67 10^-11. If the mass of the Jupiter 2 × 10^-27 upon radius of Jupiter ka square 7 × 10^. Six point six seven is 20/3 × 10^-27 − 11 × 2. On 7 का स्क्वायर इज 49 इंटू 10^7 का स्क्वायर इज 10^4. इंटू 10^16 − 14 इज 10 का स्क्वायर और 3 × 40 4000/140.
बोलना चाह रहे हैं मास्टर जी? मनुपम एक महीने डेढ़ लगी बात नहीं सर। आपने वो शायद नेट पर से ढूंढ के जुपिटर का मास निकाला है, बट वो जुपिटर का मास पूछा ही नहीं है। सवाल एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है, समझा गया आस्था? दिलीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? नो सर, गलती से हो गया। अस्तम लाल जी समझा क्या आपको? नोट कर लिया, आगे बढ़ो। यस सर, मैंने शायद ऑलरेडी आपने क्लास में बताया है ना, ये जिनके जिनके अकाउंट्स खुद के नाम के नहीं हैं, प्लीज मेक योर ईमेल आईडी ऑफ योर ओन नेम। अमोद राज अनिरुद्ध जी सोहन please make email IDs of your own name so that it is convenient for us also. Please card and hands to my absent now. ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसे, लास्ट वाले में पिछले क्लास में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। नोट करके ट्राई करो, अच्छा लगे तो सोचने वाले एकदम सीखने वाला नहीं है, नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे।
चलिए ठीक है, सो वी विल स्टॉप एट दिस। पीपीटी बंद कल करके आना सभी लोग, मैं आंसर्स आप